नमो अरहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो दुवे सवसापरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदस्ति सिद्ध्यर्थम संदस्ति अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं अब्बर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः पक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्परिसंगिकां नमो जिनं वीरं अनंतवर्णां दंशं सहावं भोक्षामृगं सारं केवलसुधकेवदीभैरवम् ओम नमः ओम। सुंदर है, कितना सुंदर है कि सबसे ज्यादा सुंदर है। सुंदर है क्या? शुद्ध आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा ही विश्व में सबसे अधिक सुंदर है। ये अध्यात्म का कथन, उसका व्यवहार नहीं हुआ। उस आत्मा का आचरण सुंदर है, मार्ग सुंदर, मार्ग सुंदर है। मार्ग कष्टकर नहीं है, मुक्ति भी आनंदमय है और मुक्ति का मार्ग भी आनंदमय है। ऐसा नहीं मुक्ति तो आनंदमय है और मुक्ति का मार्ग तपस्या वो कष्टमय है, ठाड़े रहो। इस मार्ग में तुझे जो कष्ट लगते हैं वो मिथ्या दर्शन के कारण, तेरी कषायों के कारण। इस मार्ग में कुछ कष्ट की नहीं कल्पना करना आदर्श है। जिनराज और शुद्धात्मा सरना, ये बड़ी समझने लायक बात है कि मार्ग भी सुंदर है। मार्ग का मतलब कोई सड़क नहीं है, दोनों ओर पेड़ लगे हैं, बीच में लाइटें लगी हैं, हाईवे जैसे, बिल्कुल चिकने चिपड़े, पानी नहीं हिले पेट का, ये बातें नहीं है। मार्ग सुंदर है का मतलब श्रद्धा सुंदर है। धन्य है ये जीव जिनको ये विश्वास आता है मुक्ति में ही सुख है, भोगों में सुख नहीं है। इस गाथा को पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? धन्य है वे जीव जिन्हें ये श्रद्धान होता है, श्रद्धान भी होता है। इस श्रद्धान के विरुद्ध विकल्प नहीं होते। कौन से? संयम ही सुंदर है, असंयम सुंदर नहीं है। स्वच्छता सुंदर नहीं है। पांच इंद्रिय मन के द्वारा पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तना, ये कोई सुंदर बात नहीं है, बहुत खराब बात है। मन में पंच इंद्रिय के विषयों के बारे में सोचना, पूर्व भोगों को सोचना, भविष्य को सोचना और एक कल्पनाओं में डूबे रहना, ये बहुत खराब बात है, जिंदगी को खराब करने वाली है। सुंदर है मार्ग, सुंदर है मने सम्यक तो सुंदर है, श्रद्धा सुंदर है। अनंतों जीवों में से कितने जीवों को ये श्रद्धा हो पाती है, कितना दुर्लभ है। ये संयम ही सुंदर है। डमाडोल बनी रहती, डमाडोल क्या करें तो क्या करें तो क्या करें, अरे मूड एक ही करने लायक है, दूसरा कुछ करने लायक नहीं। क्या करें क्या करें क्या करें? तुझे अपने गुरुओं पर भरोसा नहीं है, इन जिन शास्त्रों पर भरोसा नहीं, तू कर क्या सकता? ये तो होता ज्ञानात अन्यत करोत किम, कर क्या सकता है?
क्या करें क्या करें, डवाडोल पड़ी रहोगे। भैया शुद्धात्मा की आराधना ही करने योग्य है, शुद्धात्मा ही समझने योग्य है, समझाने योग्य है, पूछने योग्य है। कल रात को चर्चा कर लीजिए, क्यों शुद्धात्मा के जानने पर ही जाना हरि को ज्ञान और सुख होता है। शुद्धात्मा ही आनंदमय है, इसलिए इसकी श्रद्धा आनंदमय होगी। कितना सुंदर है मार्ग के मोह से नहीं कहा जा सकता, वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता कितना सुंदर है। बस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितना सुंदर है ये हम जानते हैं। इससे ज्यादा सुंदर दूसरा कुछ भी नहीं है विष्णु। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, अनंत सुंदर है और अनंत सुखमय है। तो कितना क्यों लिखा, अनंत क्यों नहीं लिखा, कि कितना इसलिए लिखा हम स्वयं सोचें, हम स्वयं निर्णय करें। क्योंकि मार्ग सुंदर है लेकिन हमें सुंदर नहीं लगेगा तो हम उस मार्ग के पथिक नहीं बन पाएंगे, हम उस रास्ते पर चले ही नहीं पाएंगे जिस मार्ग जो हमें सुंदर नहीं लगेगा। अरे कोई स्त्री के रूप को देख करके कोई फकीर कोई साधु आकर्षित हो सकता है, उसे सुंदरता दिखे, क्या सुंदरता है ही नहीं, देखने देखने का कि दृष्टि है क्या, क्या है कुछ नहीं है का या इसके भीतर भरा क्या है, क्या क्या भरा इस देह में। मार्ग सुंदर है देखा नहीं है इसलिए जगत सुंदर दिखता है। जिन्होंने अपना सुंदर शुद्धात्मा नहीं देखा, शुद्धात्मा की आराधना नहीं देखी, अरे शुद्धात्मा के आराधकों को भी नहीं देखा, उसको जगत सुंदर दिखाई देता है। जगत को विश्वास है कौरम में दे आत्म दृष्टि नाम है, जगत आत्म दृष्टि नाम विश्वासम रम एव च। देह में आत्मापने की बुद्धि वाले जगत के प्राणियों को जगत विश्वसनीय और सुंदर दिखता है। पहला है सुंदर दिखना, दूसरा विश्वसनीय, ये सुंदरता। अरे जगत की सुंदरता तो विनाशी है, झूठी है और विनाशी है। वो सुंदरता तृष्णा उत्पन्न करने वाली है, जिसे तू देखना चाहता है वो देख करके तृप्त नहीं होगा, छूना चाहेगा, चखना चाहेगा, सूंघना चाहेगा, पीछे पीछे फिरेगा, पीछे पीछे फिरेगा। गंदी सी बातें कह रहे हैं हम, कुत्तों को देखा है कैसे फिरते। इन जीवों की दशा ही ऐसी है, वो सुंदरता तो ये तरफ आएगी, दुखी करेगी, तृष्णा बढ़ाएगी, एक आत्मा का सौंदर्य तुझे तृप्त करेगा। एक बार देखेगा तो निहाल हो जाएगा। इन आराधकों का रूप देखो, फिर देखो इनका रूप, ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन भी छत घर सुचते हैं, बहु देह मैली सुगुन थैली सौ चुगुन साधु गए, देखते ही जाएगा। ज्ञानानंद साहब का चार में लिखा, उन मुंडायों के उस दिगंबर रूप को देखना ही चाहते हैं, नगर की नारियां देखते देखते निर्विकार बालकवत देख रही।
बड़े बड़े चक्रवर्ती देख रहे हैं द्वारा परीक्षण के लिए, महाराज हमारे यहां ऐसे नहीं, ये तो नंगे हैं, ये तो मैले हैं, अज्ञानी। मार्ग सुंदर है, मार्ग साक्षात मार्ग आचरण को कहते हैं। सुंदर है इस आत्मा का आचरण, जिन्हें देह के भीतर आत्मा दिखाई दे रही है वो उनकी दृष्टि वो सुंदर है आचरण। फिर कैसा आचरण होगा? अरे हम ये पूछते हैं, तुम्हें एक लड़की बहन दिखाई दे तब आचरण कैसा होगा, और एक लड़की लड़की दिखाई दे तो कैसे आचरण होगा, बता। दृष्टि सृष्टि बदल देगी तब तो, ये बहन बहन अब तुम्हारे भीतर कैसे परिणाम आएंगे, किसा के मन खुशी तो अभी होगी सुंदरता को देखकर, लेकिन बहन मेरी बहन कितनी सुंदर है, मैंने उसके भीतर में तुम्हें कितना उल्लास होगा, कितनी खुशी होगी। और एक लड़की को सुंदर देखोगे, लड़की केवल लड़की, और विवाह के योग्य लड़की, बस भोगने के योग्य लड़की गई तो तुम्हारा पतन हो ही जाएगा निश्चित 100%। ये मार्ग सुंदर है, मार्ग का मतलब आचरण सुंदर है, अहिंसा रूप आचरण सुंदर आचरण है। सदाचरण इसको बोलते हैं, सदाचरण सत्य आचरण को भी कहते हैं, और सुंदर आचरण सुखमय आचरण को भी कहते हैं। सदाचरण जो आचरण स्वयं और दूसरों के लिए सुंदर हो उसको सदाचरण कहते हैं। लोक व्यवहार में भी सत्य बोलना अपने लिए भी सुखमय है और दूसरों के लिए भी सुखमय है। झूठ बोलना ना अपने लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए अच्छा है, झूठा आदमी किसी को अच्छा नहीं करता, चोर किसी को अच्छा नहीं लगता, चोरी का आचरण किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब ये मोटी मोटी सी बातें हैं, मार्ग सुंदर है, मार्ग सुंदर है माने संयम सुंदर है। जब संयम सुंदर है तो संयम का मूल सम्यक तो सुंदर है, ज्ञान सुंदर है। क्या पढ़ा था जब हम आए थे, तब हो सफल तब ही शिक्षा, जब ज्ञान का आचरण होता है तब ज्ञान सफल होता है, पंडिताई में कोई दम नहीं है। वैसे शील का उपदेश तो कैसा लगेगा, एक दहेज की अक्कल हो भी दहेज के निवारण का भाषण देने खड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा, एक हिंसक अहिंसा के ऊपर भाषण दे तो क्या कहेगा। अरे शोभा के हंसी हो रहे होंगे, शोभा की बात कर रहे हो, चुपचाप सुन भी नहीं पाएंगे लोग, हंसेंगे देखो कैसे भाषण जा रहे हो, यहां देखो कैसी बातें कर रहे हो, घृणा करेंगे। आचरण सुंदर है, श्रद्धा और ज्ञान भी सुंदर ही होंगे। और जिसको श्रद्धान उदित हुआ है, ज्ञान हुआ है, उसका जीवन भी सुंदर होगा, होगा वो तो। और कोई अलग से थोड़ी जीवन रखा है, एक पुड़िया में एक बक्सा में, उसकी आंखें सुंदर होनी, लोक में कहते हैं आंखों में शील होता है, आंखें सुंदर होनी, देखने की दृष्टि अलग होगी उसकी। महाभारत में दृष्टांत आया ना, वो लड़का निकल गया, सुखदेव था निकल गया, और वे नहाती रही आराम से, उन्हें कछु कुछ कुछ नहीं विकल्प भी नहीं हुआ, तुमने कपड़ा डाल दे नहाती रही, और वे बूढ़े महाराज निकले जैसे उन्हें कपड़ा डाल दे,
ये क्या है, क्या है अंतर के परिणामों का निमित्त निमित्त की संबंध है और है क्या? वो अंग्रेज शिकार करने जा रहा था और निशाना चूका, और शेर ने उसका पीछा किया और वो भगा, और भक्ति भक्ति संयोग की बात जंगल में मुंडराज विराजमान थे वहां गुफा में, मुंडराज के पास बैठ गया थे। शेर आया और आते 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 ऐसे भोगी बैठ गया। ये क्या है? ये वितरागता का निमित्त निमित्त संबंध है। अरे रूप तो उसे कहते हैं, सुंदर तो उसे कहते हैं जिसको देखते वासना है भग जाए, जिन देखो भग जाए। कोई अच्छी बात सुनाओ। अरे अच्छी बात परिग्रह की कोई बातें कोई अच्छी नहीं है, भोगों की बातें अच्छी नहीं है, ये तो विकथाएं हैं, दुख का कारण है। ये अच्छी बात तो ये है आत्मा स्वभाव से सुंदर है। आत्मा की आराधना सुंदर है, माने वो आचरण सुंदर है। ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सफलता ये है कि उस प्रकार का आचरण हो पाए। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाए सहज बैराग। सोचना नहीं पड़ता, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या कहें, हम क्या बोलें, क्या करें। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ आ जाए तो बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब सोच रहे को है, देख रहे नहीं, उन्होंने कहा भाई पुस्तक एक कौन के क्या है, सोचना पड़ता है। फिर भी भावुकता नहीं है, सोचना नहीं पड़ रहा है और भावुकता भी नहीं। घो घो करके याद करना नहीं पड़ता और विस्मरण होता नहीं। विस्मरण होता नहीं, वो ऐसी छवि बैठ गई भीतर ज्ञान में, भूल नहीं सकते। अभी हम आ रहे थे, ऊपर निगाह चली गई, हमने देखो भावों की निर्मलता तब रह सकती है जब स्वयं का विवेक नंबर एक और दूसरा गुरुओं का अनुशासन। स्वयं का विवेक, गुरुओं का अनुशासन और गुणीजनों की संगति प्रमुख है। स्वयं का विवेक और निमित्त है गुरुओं का अनुशासन। स्वयं का विवेक नहीं है तो गुरु को गुरु ही नहीं समझ पाएगा। बहुत लोग कई बार कह दीजिए आज तो तुमने हमारे ऊपर ही सब प्रवचन कर दो, जबकि हमको मालूम भी नहीं है घर मैं तुम्हारे में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, कैसी बोल। अब वो लगता है हमारे ऊपर हो गया था, तुम अंतर में उससे स्वयं भयभीत हो रहे हो, वो लग रहा है तुम्हें, उसको छोड़ नहीं पा रहे, लगता है हमसे ही कह रहे। सामान्य भी कहे, पुलिस वाला सामान्य आदमी भी वैसे ही निकल जाए अगर, तो चोर को ये लगेगा हमें पकड़ गई तो नहीं आ रहे। और वो बेचारा सब्जी लेने जा रहा, पकड़ने वकड़ने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन उस अपराधी को ये लगता है हमें पकड़ गए तो नहीं आ रहे। अरे भैया ऐसी रुचि से, ऐसी अपनत्व से अगर आत्मा की चर्चा सुनी होती, मैं भगवान हूं ये अनुभव किया होता तो बेड़ा पार हो गया होता।
जैसी बातें जी हमसे कह रहे, तुमसे कह रहे, फलाना कर रहे। अगर ऐसी रुचि से आत्मा सुना होता, ओहो ऐसा आत्मा तो मैं ही हूं, ऐसे गुण तो मेरे में ही है, ऐसा स्वरूप तो मेरा ही है। अगर ऐसी लक्ष्य से आत्मा की बात सुनी होती तो बीड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास की स्त्री ने यही कहा, अष्ट चरम देह ममता में ऐसी प्रीत, कैसी सो श्री राम सो तो न हो भाई। जहां में जैसी प्रीति ऐसी राम से होती तो सब बीड़ा पार हो गया होता, संसार में नहीं होता। भीतर बैठी है संस्कार, यही मैं हूं, यही मैं हूं। एक बार पूछा था छेड़ाला में, पहली डाल में किसकी कथा है, तो मेरी कथा है, मेरे तो कौन कथा है, मेरी कथा है उसको पढ़ना पहले, भूले आपको भरमत बात, जो अपने को भूला है उसकी कथा है। अगर तुम भूले हो, जिसको भूले हैं वो हम हैं कि जो भूला है सो हम हैं, जो भूला है सो हम हैं, छाई पर्याय कि जिसको भूला है वो हम हैं। सोचो जो दिखाई दे रहा है सो हम हैं कि जो देख रहा है सो हम हैं। लगता ही नहीं। अरे जिनवाणी सुनने के लिए पात्रता चाहिए, अपने अभिप्राय से जिनवाणी सुनी है, जिनवाणी के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया, पात्रता चाहिए। पात्र बिना वस्तु नहीं है। अकेला पक्ष पड़ा रहता पर्याय का तो नहीं समझ पाता शुद्ध न्याय की चर्चा को। अगर शुद्ध न्याय का पक्ष पड़ जाता तो व्यवहार की चर्चा समझ में नहीं आती, समझ नहीं नहीं आती उनको, और कहने को सब कह दे आत्मार्थी का जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो होना चाहिए तो हो ना, करो ना। होना चाहिए बस, और कम से कम पूजा तो करना चाहिए। अरे करना चाहिए तो करो, मैं रोकता कौन है भाई, ये नहीं समझ में आती। तुम तो रूढ़ी की क्रिया ढूंढ रहे हो, मैं इन भगवंतों की वितरागता के प्रति उल्लास करने आ रहा है। बैठेंगे भाई, सुहा सुहा कर दे दो, गाय रहे बजाय रहे भाई, बस खत्म हो। मन भ्रम जरूर हो गया कि हम पूजा कर रहे हैं, हम पूजा। अरे जो रोगी निरोग हो जाए उसे वैद्य का बहुमान ना आए, ऐसा होता ही नहीं, उसके हृदय से निकलेगा ही नहीं। संयम धारण करने का, संयम लेने का, चाहे देश संयम हो, चाहे सकल संयम हो, चाहे यथाख्या संयम हो, यथाख्या संयम तो प्रकट होता है, लिया थोड़ी जाता है। सकल संयम प्रतिज्ञा की जाती, धारण किया जाता है। देश संयम प्रकट किया जाता है, वो धारण किया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है बुद्धिपूर्वक। लेकिन संयम आत्मा की आराधना के लिए है। ध्यान रखना, अगर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तो आपका नियम कोई मतलब का नहीं। और इससे बड़ा लक्ष्य कौन सा है? हंसी मजाक है, विकथा, प्रमाद, ये सब स्वच्छंदता, ये सब लक्ष्य न होने का फल है। हमें फुर्सत कहां है, फुर्सत कहां है कि हम बैठ ही गप्पे ठोके, क्या हम घूमे आए? अब कोई लक्ष्य ही नहीं है,
हम कहते हैं तुम सुनते हो बस आराम से, और कछ कोई मतलब थोड़े ही है, बस परिणाम मलिन करते रहते हो। कल कहा था ना स्वाध्याय का नाम निवृत्ति मान लिया, अरे स्वाध्याय का नाम पढ़ने का नाम निवृत्ति कैसे हो गया, ये तो प्रवृत्ति है। सुनने का नाम बस आराम से कैसे सुनते रहो, आराम से रोटी मिल जाए, आराम से जो अच्छा की पूर्ति हो दिया और आराम से कैसे लगाए सुनते रहे या पढ़ते रहे, इसका नाम निवृत्ति मान लिया ये तुमने, ये कोई निवृत्ति नहीं। असुहादो गृणवृत्ति सुही पवित्ति, अरे अशुभ से भी निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति पूर्वक होगी। हम ये पूछ रहे हैं जब निवृत्ति की बात आती है तो सच बोलना झूठ बोलने से निवृत्ति हो गई, कैसे निवृत्ति हो? एक समर्थ की प्रतिज्ञा की, वितरागी देवशास्त्र गुरु की ही उपासना करेंगे हम, अन्य से निवृत्ति हो गई। एक लड़के का विवाह हुआ, उसने बस स्व स्त्री में प्रवृत्ति संतोष, सो भी संतोष शब्द लिखा। हमारे आचार्यों का देखो तो कितना सूक्ष्म साहित्य ज्ञान है, प्रवृत्ति नहीं लिखा संतोष लिखा, माने वहां भी तृष्णा और आसक्ति का निषेध है। गृहस्थ जीवन में भी तृष्णा और आसक्ति का निषेध समझना चाहिए, तो वहां पर स्त्री का त्याग होगा। अब जब निवृत्ति, तो निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है, अब प्रवृत्ति क्या कर रहे तुम, कोई लक्ष्य है कछु नहीं, प्रभाव ना किए जाने नुकसान जाने हमें क्या लेने गया, तो खुरापाती की दिमाग होंगे ही तुम्हारे, फालतू बातें सोचोगे ही, फालतू बातें कौन सोचता है जिसको ये तत्व विचार नहीं होता। तत्व विचार में जैसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया, हित नहीं दिखाई दिया, वो फालतू बातें सोचेगा इतने की उतने की। निवृत्ति जिसको तुम कहती हो, निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है। मूल में शब्द क्या है, वृत्ति, द्रव्य को वृत्तिमान कहते हैं और पर्याय को वृत्ति कहते हैं। अब तुम्हारा उपयोग प्रवर्त कहां हुआ जी, तो बताओ गए कहां थे के मंदिर, हाँ ये ठीक है, और तुमने कहीं कह दिया कहूं नहीं तो समझ लो गए कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्या कर रहे थे का कुछ नहीं, समझ लो कुछ न कुछ अनर्गल है अयोग्य है, ये उत्तर तुम्हारे अयोग्य हैं, क्या कर रहे थे कुछ नहीं, क्या देख रहे हो कुछ नहीं, और सामने वाला भी समझता है इन बातों को, अभी एक झापड़ पड़ेगा ठीक हो जाओगे, क्या देख खड़े खड़े देखते क्या, अपना काम देखो अपना रास्ता देखो, देख क्या रहे हो, तो वो समझ गया क्या देख रहा है, इस पर चढ़ करके कैसे पहुंचा जाए, इसको प्राप्त कैसे किया जाए, ये सीख रहा है, वो कह रहा है कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं ये कोई उत्तर थोड़ी, कुछ नहीं कोई वस्तु होती है बताओ, सर्वथा असत कोई वस्तु होती है, तो फिर तुम कुछ नहीं कैसे बोलते हो, क्या खा रहे के कुछ नहीं, अभी तक दवाए गुटका तुम नहीं दबाए, लेकिन कहने का मतलब भीतर दवाए गुटका खा रहे के कछु नहीं, तो कुछ नहीं के, कुछ नहीं कोई वस्तु होती है क्या, किसी कौन सी वस्तु का नाम है कुछ नहीं, कहीं नहीं कोई स्थान होता है, कोई नहीं के जब कोई व्यक्ति होता है, लेकिन ये व्यवस्थाएं आई कहां से, कुछ नहीं क्या खा रहे हो कुछ नहीं, वो भी समझता है हम अपने योग्य नहीं खा रहे,
भूल नहीं पा रहा, क्या देख रहे कि कुछ नहीं। अरे देखने के लिए इतनी इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, जिन रूप है, जिन वाणी सुनने के लिए, और कुछ नहीं करता है। हमारी तो बहनों पे लिखा होता है सड़क पे, यार बुरी निगाह वाले तेरा मुंह काला हो गया। कैसे लिखते, क्या मतलब है बुरी निगाह क्या होती है? तू मेरे ऐसे क्या, जैसे मेरा ये मेरा नौकर हो, ये मेरा लड़का है, ये मेरा फलाना है, ऐसे रोक घटता है तो बुरी निगाह। ये इष्ट है ये बुरी निगाह, ये अनिष्ट है ये बुरी निगाह। देखो घी को घी मात्र देखो, तुम्हें अभिमान की दृष्टि से क्यों देखते हो, काम की दृष्टि से क्यों देखते हो, क्रोध की दृष्टि से क्यों देखते हो, ऐसे देख रहे जैसे खा जाता है। क्यों देख रहे वैसे? वो शेर जाकर के बैठ गया मनीश्वर के पास, इतना सुंदर कितना सुंदर। और जहां जो योग्य है वहां उसका कथन किया गया। जब व्याख्यान का स्वरूप लिखा तो क्या लिखा है, जिन शास्त्रों का ऐसा व्याख्यान करे जो पापों से मन कांपने लगे, भयभीत हो जाए। जिन शास्त्रों का ऐसा व्याख्यान करे कि पापों से मन भयभीत हो जाए, कांपने लगे, भव भोग सो मन कांपिया, अरे गुरु कह रहे भयभीत मत करो, भयभीत मत हो। और आचार्य भगवान भयभीत करे चला जाएगा नरक, क्या समझता है? ऐसे कर्म बनेंगे कहां भोगेगा? अब भयभीत कर रहे कि नहीं कर रहे बोलो, घुसने नहीं जाएंगे क्लास में अगर होमवर्क करके नहीं लाए तो कल। अब भयभीत कर रहा है कि अध्यापक के नहीं कर रहा? संसार का भय नहीं हो तो मुक्ति की प्रीति कैसे जगेगी? पापों से और पापों के फल से भयभीत नहीं हो तो धर्म में और धर्म के फल में उत्साहित कैसे होगा? पापों और पापों के फल में अगर भयभीत न हो तो धर्म मार्ग में उत्साहित कैसे होगा? संयम कौन धारण करते जो भोगों से भयभीत हो जाते, संसार सुखों से भयभीत हो जाते इंद्रियों से? आचार्य कुंज कुंज जी लक्ष्य बता रहे तुझे, मुझे संयम धारण करना ये मंजिल नहीं है। संयम धारण करना आत्मा को ध्याने के लिए, इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन करने के बाद द्रव्य संग्रह में एक ध्यान का विषय लिया और उसका हेतु क्या कहा, दोनों प्रकार का रत्नत्र ध्यान अवस्था में प्राप्त होता है, प्रकट होता है, इसलिए तू अपने मन को स्थिर करके ध्यान का अभ्यास कर। मोह के कारण तुझे विपरीत विकल्प आएंगे आएंगे, तू बाहर से देखेगा तो नाना प्रकार की शंकाएं होंगी, लेकिन जब तत्व निर्णय करेगा अंदर से देखेगा तब तेरी शंका का समाधान हो जाएगा। निशंक तंग आ जाए, सम्यक्त हो जाए, कब? जब अंदर से देखेगा उसको। हम तो प्रत्यक्ष, अरे प्रत्यक्ष माने जे प्रत्यक्ष नहीं आंखों से देख रहे, प्रत्यक्ष देखा
इसलिए परमार्थ संयम कहते ही उसे जितना आत्मा का ध्यान बरतता है उसी का नाम परमार्थ है। वही संयम की सफलता है, वही संयम का उद्देश्य है। नहीं तो आए थे यार भजन को ओढ़ने लगे कपाह, जाने कान कान विकल्पों में लग गए। 10 बार सोचो, 50 बार सोचो, 100 बार सोचो, 12 बार सोचो, हमने ये मार्ग क्यों अपनाया, काय के लिए, का घूमन जा रहे बाजार की इतनी भीड़ में। अरे रोग की औषधि लेने जा रहे हैं इतनी भीड़ में, कब क्या कर रहे हो, कब घूमन जा रहे। छजमस्त का उपयोग एक समय में एक को जीतता है। इंद्रियां भले 5 हैं लेकिन उपयोग एक है, इसलिए इंद्रियों के विषयों को भी युगपत ग्रहण नहीं करता। इंद्रियां 5 हैं लेकिन उपयोग एक। अब जब इंद्रियों के माध्यम से चला जाएगा तो उपयोग वहां काम नहीं कर पाए, इसलिए कहा पंचेंद्री मन बस करो। पंचेंद्री मन बस में करने का मतलब क्या है, उस उपयोग को रोको, उसका विषय मत बनाओ। आप कैमरे के सामने खड़े हो जाते, ये ऊपर की शक्ल आ जाती है, उसमें कमीच और कलम, कमीच और कलम सब आ गई उस फोटो। और एक्सरे के सामने खड़े हुए तो ये कुछ है नहीं, बस वो काला काला। एक्सरे को पढ़ना भी कोई डॉक्टर नहीं जानता है, हर आदमी तो उसको पढ़ना नहीं जानता। अध्यात्म पढ़ना हरेक के खेल, हरेक का काम है। ये बहिर दृष्टि अध्यात्म नहीं जानते, क्या नाम अध्यात्म, किसे कहते हैं, मजाक समझते। ज्ञाता अनुभव किए बिना वक्ता बन जाना कैसा है, विडम्बना है और कुछ नहीं। इतना पाचन कमजोर है, इतनी सी बात समझ लें सुन लें तो पछती नहीं है जब तक हम दूसरों को न बताने लगे फटाफट। जबकि लिखा है सम्यक ज्ञानी हो बहुत दृढ़ चारित्र, बताने की खुजली और चलाने की खुजली कितनी पड़ती है पता नहीं। अनुसरण करने की, प्रतीति करने की, अनुभव करने को कहा कह रहे, इतना उतावलापन हो गया था, अरे लाल बत्ती जल रही है तो अभी नेकने का आगे बढ़ ही गया, वो उससे आगे खड़ा हो गया, वो उससे आगे खड़ा हो गया। और इतना उतावलापन है बत्ती बंद नहीं हो पाई सोनो तो स्वाध्याय बंद नहीं पड़ पाया, विकल्पों की आंधी में चल रहे हैं। जैसे तैसे रोगी बस काल गमाता है, संयम धारण करना रूढ़ी की क्रिया नहीं है। संयम धारण करना आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा की आराधना। आत्मा की आराधना का फल क्या है, कि आत्मा की आराधना का फल हमसे पूछोगे, जब आराधना करोगे तो तुम्हें अपने आप मालूम पड़े। आत्मा की आराधना का फल आत्मा की प्राप्ति और का है। पर्यार्थिक नय से सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है, द्रव्यार्थिक नय से कहें तो क्या होगा, आत्मा की प्राप्ति तो है। क्या मिल गया आत्मा को, आत्मा मिल गया। अरे स्त्री को पति मिल गया तो मतलब सर्वस्व मिल गया, स्वामित्व तो मिल गया घर का पूरा पूरा स्वामित्व, गृह स्वामी नहीं। और ये इसको कहता का हो, कछुनी 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 कछुनी, रूखा था सुनना, रूखा था पढ़ना, रूखा था बोलना, रूखा था चलना,
शरीर ही प्रभु अधिकार है, लक्ष्य विहीन जीवन को। आगे पढ़ने का मन नहीं होता, बस इतना तो हो गया पूरा। ये हमारा जो संयम, जिसको हम कह देते जबरन व्यवहार न थे संयम, ये संयम भी नहीं है। अभी संयम, बाह्य संयम का भी ठिकाना नहीं है। अंदर में कौतूहल पड़ा है, छिप छिप करके भी सीरियल देखेंगे, मोबाइल में आंखें गड़ाएंगे, भाई में फोटो डाल रहे, फोटो देख रहे, माने व्यवहार संयम का भी ठिकाना नहीं है। हम ये कह रहे हैं प्यास लगे और पानी नहीं पिए, ये इसका नाम तरसा परिचय है थोड़े ही है। अंतर में वेदना ना हो, दुख का वेदन ना करे, समता रस का पान करे, उसका नाम है तरसा परिचय। जिस प्यास को बुझाने के लिए जगत के जीव पानी की तलाश में दौड़ते हैं, उस प्यास को बुझाने के लिए योगीश्वर अपनी आत्मा की ओर दौड़ते हैं, समता रस का पान करते। अरे व्यवहार संयम का कहां ठिकाना बता। भय नहीं है, हिंसा का भय नहीं, झूठ का भय नहीं, चोरी का भय नहीं, कुशील का भय नहीं, परिग्रह का भय नहीं। पाप भीड़ता ही अभी नहीं आ पा रही। आगम पढ़ने से पाप भीड़ता तो आने लगे कम से कम। तुम तो पढ़े आते हो, हम तो खाली सुन रहे थे ना, वो सफल तब ही शिक्षा। और तुमने अपने को क्या कहा मान लो, हमने हमें तो याद है, हमें तो तैयार है विषय। ऐसी याद और तैयार को क्या कहेंगे हम। कितना सुंदर, कितना सुखमय, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल्पनाओं से परे है कल्पना की तम अचिंत शक्ति स्वयं जीवा। कई अधिकारी या कोई लोग, हम तो सोचते भी नहीं थे इतनी तनख्वाह हमें मिलेगी, इतनी तनख्वाह मिल रही, लेकिन क्या करें शांति नहीं। इतनी तनख्वाह मिल रही है लेकिन शांति नहीं, क्यों? शांति का उपाय ही नहीं है परिग्रह। और छठवां बात, वो भी तनुमान लग जाएगा सो इतनी और बढ़ जाएगी। अरे बढ़ जाएगी सो होगा, तुम्हारी तस्ना बढ़ रही, तुम्हारी छठवा, जब तक वो छठवां लगेगा तुम्हारी तुम्हारी तस्ना सातवें पर पहुंच जाएगी, सातवां लगेगा तो आठवें तक पहुंच जाएगी। बार बार अपने मन को समझाओ, जिसको देख करके तुम सुखी होना चाहते हो उसको देखने मात्र से सुखी नहीं होगे। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था बहुत पहले यार, जब इंद्र आता है तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए, जन्म कल्याण मनाने के लिए, तो हजार नेत्र बना करके उस रूप को देखता है और तभी तरस नहीं होता। अब कहा तुम हजार नहीं तो बना सकते, तुम्हारी यह ताकत है। और तीर्थंकर बालक से भी कोई सुंदर रूप यहां होगा कोई एक आध देवा था शकल, शीशा में शकल देख लेने का। हजार नहीं तो बना करके बाहर का रूप वो तीर्थंकर का रूप देख रहे हैं और तृप्त नहीं, और अंतर की चक्षु से अंतर का नेत्र देखें खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से तृप्त हो जाए। अब तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? ऐसे अगर देखते ही रहे,
असंभव है क्या? संभव है। क्या सुंदर रूप है, देखते ही रहे ऐसा लगता है। तो देखते रहो देखो, मत पलक झपकाओ। पेशाब लगेगी, प्यास लगेगी, रोटी खाओगे, भूख लगेगी, नींद आएगी, कुछ करोगे कि नहीं करोगे, कह देखते ही रहे। वही पहले शराब आदमी को, शराब शराब को पी रही है, फिर शराब आदमी को पी रही है, फिर वो पहले शौकिया पी रहा आदमी शराब को पीता है, देखें तो कहा है जा कुछ बात, और फिर शराब शराब को पीती है, तलब लगने लगती है उसी देर, जो समय हुआ बस तलब लगी, चलो बस पांव अपने आप बढ़ गए। ये विषयों की भी शराब ऐसी है, मोह की शराब भी ऐसी है, मोह महामती हो अनाज। और अंत में क्या होता है, शराब आदमी को पी जाती है, बर्बाद हो जाते, सब गल जाते भीतर। अरे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सोचो पहले, उद्देश्य का निर्धारण तो करो। दुनिया में नाम कमाना यही उद्देश्य है, सबको सुधारना ये उद्देश्य है हमारा, सब जी मोक्ष मार्ग में लग जाए बस यही उद्देश्य है। तो सबसे पहले तुम मोक्ष मार्ग में लगो, और तुम्हारी शांत मुद्रा को देख करके जिनकी योग्यता होगी वे लगते जाएंगे। हाँ, और तुम्हारे जीवन को आनंद को देखते देखते जिन्हें आनंद की विलासा होती होगी वे सब अनुकरण करती जाएंगे, लगते जाएंगे इस मार्ग में। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। क्या उद्देश्य बना लिया तुमने, प्रचार करो बस। नेता बने का उद्देश्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे ज्ञाता तो हो जाओ, नेता तब बनोगे। मुख्य मार्ग से नीतारम भीतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। हमारे जितना भी संयम और जितना भी नियम है काय के लिए है, असंयम हमारा समय खा जाता है, शक्ति खा जाती है, बुद्धि खा जाती है, पुण्य खा जाता है, असंयम। ये भोग आत्मा के सुख को दीमक बनकर खा जाते हैं। संयम इसके लिए है, हमारी समय शक्ति बच गया है। ये बाह्य संयम का इतना प्रयोजन है, फिर तुम्हें कुछ करने के लिए है। जल्दी आ जाना भैया, आज जल्दी आ जाना। काहे के लिए कि बैठेगा गप्पे हो गए, इसलिए जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। आज स्वाध्याय करेंगे, समायक करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, इस भाषा में करेंगे। माने हमारा संयम किसी कुछ विशेषता आना चाहिए। जो दैनिक समायक नहीं भी करते हैं, उन साधकों को भी उपवास के दिन समायक का नियम रहता है। आज उपवास है, समायक कर ले। स्थूल रूप से कह रहे हम, मैंने उपवास हमारा ये है कि अब रोज तो दुकान पर चले जाते और काम में लग जाते, समय का समय निकल जाता था, मिलता ही नहीं था। अब आज तो समय है, उपवास है, आज तो काय के लिए समय करे। और समय एक आत्मचिंतन के लिए है। हमारे संयम का उद्देश्य है अपानम झाई, जायई अपानम। और ये कार्य असंयम में नहीं हो सकता। जब तू विषय भोगों में पड़ा है तो फिर कमाने में पड़ेगा,
और कमाने में फिर कितना समय लगेगा, शक्ति लगेगी, बुद्धि लगेगी। अभी तुमने दिखा दी, सैकड़ों लड़के ये कहने लगे हम अपनी रोटी बना ली। कैसा बना दिए तुम, क्या दो हमें, दे दो घी दे दो, वो निकलो निकलाओ, सब्जी दे दो लाए, रोटी हम तो सेक लेंगे, हम बना लेंगे। इसका नाम बनाना है कि भरी भरा नींव और बड़े खड़े खड़े पिलर छत जा रही है मेरी, तो हमने बनवा लो। मन इतना खेल सा लगता है, असो भी अनुकूलता में प्रतिकूलता में नहीं, ये ऐसी तबीयत ढीली होगी। अब को बनाए, को करे, क्या करें, बस बस वही आर ध्यान करने लगोगे। अरे विषय भोग दिखते तो बहुत सरल हैं, पड़ेंगे बहुत महंगे। संसार के अनंत दुख विषयों के सुख की कल्पना का फल है। विषयों में सुख की कल्पना का फल अनंत दुख है भी। सैकड़ों लोगों को देखा है, फिर अपने दो ही जने, फिर अपने दो ही जने, दो ही रहे का रह कितने पाते हैं, दो जने तीसरा नहीं होता, दो ही जने, दो ही जने, अब तीन जने, अब जाके पढ़ाई पालन पोषण, अब जाए आज टीका लगने, या कोई आप फलान होने, आज जाके ये होने, अब जाके एडमिशन होने, अब जाके पहुंचाने, और बता दो ही जने कहां रहे। जब भैया बीज जमीन में बो दिया तो बीज अकेला कहां रहा, ओ वृक्ष खड़ा हो गया। जब बीज जमीन में बो दिया, अब बीज थोड़ी अकेला बचा, वो तो बीज फट गया और पूरा वृक्ष। थोड़े दिन बाद देखो ए यहां तो कितने बीज है, एक बीज में अनंत वृक्ष, एक बीज में वृक्ष और वृक्ष में कितने बीज और उन बीजों में एक एक वृक्ष, न बीजों का अंत न वृक्षों का अंत। बोए तो देव, अरे फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूम विषय भोग है। कहना कोड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूम विषय भोग है। ये सब किसकी संतति है, ये मिथ्यात की संतति है, दिखाई दे रही है पूरी की पूरी। ये दुख किसका फल है, भोगों में आसक्तता का फल है। छेडाला में से बताया था बालपना अज्ञान, उसका फल तरुण समय, तरुणी, तरुणी माने आशा कामना इच्छा, अकेली स्त्री नहीं। और फिर उसका फल क्या हो गया, अर्ध मृतक सम मूड़ो पनो कैसे रूप लखे आपन। और नहीं तो जो बालपने में ज्ञान जो रहे, तरुण समय संयम रत रहे, ना ही हो गए बूढ़ापना, उसको बुढ़ापा ही नहीं आ रहा। संयम नियम और तप के द्वारा आत्मा को ध्याना चाहिए, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मा को ध्याना चाहिए। और ऐसा ही विषय द्रव्य संग्रह में लिया, दोनों प्रकार के रत्नते की प्राप्ति ध्यान के काल में होती है। इसलिए हे भव्य तुम ध्यान का अभ्यास करो। और ध्यान के अभ्यास में क्या अभ्यास बताया, बोलो, मां मुझ्जय मां रज्जय मां दूसय इच्छ अनिष्ठ, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, फिर मिच्छय जा चित्त विचित्र जान प्रसिद्ध। विचित्र ध्यान माने नाना प्रकार के व्यवहार रहे से ध्यान, और विचित्र ध्यान माने चित्त रहे ध्यान, निर्विकल्प ध्यान।
चित्त रहित ध्यान विचित्र निर्विकल्प ध्यान, उस निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि के लिए तुम मन को स्थिर करो, और मन के स्थिर की एक ही उपाय है, क्या? पदार्थों में इष्ट अनिष्ट जो है ठीक है, दूसरो लाभ, ये परिग्रह चित्त चंचल करता और क्या करता है, अरे ठीक है चलो वही बन जाएगा, ये अच्छो है ये खराब है बस खत्म, हमारा लड्डू छोटा है इसका बड़ा है, जल गई कसाई थी ज्वाला, डस लिया बिच्छू ने, रुला दिया उस लड्डू ने नहीं तुम्हारे अज्ञान ने, हमारा लड्डू छोटा है हम नहीं खा रहे। अरे भाई अभ्यास काय का, ध्यान का, ध्यान के लिए काय का अभ्यास, ध्यान के लिए काय का अभ्यास है, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मैंने जहां पहले तुम्हें इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती थी, या अन्य जीवों को जहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं हो इसका अभ्यास करो। अभ्यास करने का मतलब क्या है, कुछ नहीं पछती जा, बस मुफ्त में लगे हो, मुफ्त में लगे और कुछ नहीं, पढ़ाई में और नहीं बताओ क्या है इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभ्यास। अरे बुद्धिपूर्वक विचार करो, ये इष्ट नहीं है, ये इष्ट नहीं है, इष्ट तो मेरा शुद्ध आत्मा है, इष्ट तो रसनत्र है, इष्ट तो तिंदी आनंद है, ये इष्ट नहीं है, ये कपड़ा इष्ट नहीं है, इसका नाम अभ्यास है। इष्ट में और कल्पित इष्ट में, इष्ट में और कल्पित इष्ट में एक तो भीत ज्ञान करो, इनमें दो में से एक इष्ट होगा, दो तो नहीं होंगे। सुतारा विचारने लगी, ये दो खड़े हैं सुग्रीव बने, इनमें एक ही होगा, दो तो नहीं हो सकते, इनमें पति दो तो नहीं होंगे, एक होगा कि दो होंगे ये बता, तो इष्ट एक होगा कि दो होंगे, उसके सामने उसको खड़ा कर दो, इष्ट कौन है, जो इष्ट है उसे मानता नहीं जानता नहीं, और जिसे अनिष्ट इष्ट मानता है वह इष्ट है, इसका नाम मिथ्या। और जो दूसरे की बुराई करे वही सबसे बुरा आदमी होगा, ये ध्यान रखना, जो दूसरे की बुराई करे वो जरूर बुरा होगा, दूसरा बुरा हो या ना हो सकता है ईर्ष्या से बुराई कर रहा हो सकता है किसी कारण से, लेकिन जो दूसरे की बुराई करे वो समझ लेना चाहिए बुरा एक आदमी है, वो व्यवहार लायक आदमी नहीं, नियम की बात है। तो जो इष्ट की कल्पना करा है वो अनिष्ट होगा, तुम्हारा अज्ञान तुम्हारा मोह जो इष्ट की कल्पना कराता है जो अनिष्ट, वो जरूर अनिष्ट होगा, वो इष्ट नहीं होगा, निश्चित बात है, सावधान हो जाना। एक जी लड़का यहाँ आया, पनी जी बोलो जी भैया ऐसे हैं और जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, अब समझ गए तुम जाओ घर से, घरे जाओ तुम, घरे जाओ यहाँ, अब समझ गए तुम कैसे हो, ये पहचान है, जिसके पास बुराई हो वही तो बुरा आदमी है ना, अब जिसके पास बुराई है नहीं अब वो बुराई करेगा कैसे, भला आदमी किसी की बुराई कैसे कर पाएगा ये बता, भला आदमी किसी की बुराई कैसे कर पाएगा, उसे कराना चाहो तो भी नहीं कर पाएगा, क्रोध के पूछो, खोद के पूछो तो भी कहे भैया अब ठीक है, लेकिन ये नहीं कह पाएगा जी बुराई को बुराई बुराई करके बताए, दूसरों की बुराई करे वह समझ ले, समझ लिया चरित्र, हम आपको एक मापदंड दे रहे, एक मीटर दे रहे ना अपने के लिए, जो तुमसे दूसरों की बुराई करे समझ लेना दूसरों से हमारी बुराई करता होगा,
जिसके पास जो नहीं है वो कैसे देगा, जिसके पास बुराई है नहीं वो बुराई कैसे देगा, अरे बुराई का भी बदला भलाई से देगा, अपकार का भी बदला उपकार से देगा। अब सोच लेना चाहिए अपना जीवन, एक लक्ष्य पूर्वक जब काम होता है, बाण भेज दे, बाण चलाने की कला सीखते हैं तो निशाना बनाते ना पहले लक्ष्य को, अब निशाना ही नहीं हो तो कहा है फिर छोड़ जा। हम आपको कितनी बार कह चुके भैया हवाई फायरों से भीड़ भगा लो तो भगा लो भैया, भग जाएंगे वैसे ही, लेकिन युद्ध नहीं जीता जाता, शत्रु नहीं जीते जाएंगे। ऐसे इन हवाई फायरों से दो चार बातें चर्चा कर लेने से ये मोह नहीं जीता जाएगा, ये कथाएं नहीं जीती आएंगी। ये हवाई फायर मत करो, एक इतैसी एक उतैसी दो इतैसी दो इतैसी, बस खत्म मामला, तक तक के मारो। लक्ष्य बनाना सीखो, थोड़ा आगे पीछे भी पहले हो जाएगा, लक्ष्य बनाओगे तो कहीं इतने चलो कहीं इतने चलो कहीं नीचे चलो, लेकिन वो लक्ष्य के आसपास होगा, नीचे तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे हवाई फायर तो कहां जा रहे पता ही नहीं, तुम्हारे विकल्प कहां है घूम रहे हैं, तुम्हारी परिणति किधर भटक रही है, इनमें नहीं भटकेगी अगर लक्ष्य बना लिया जीवन का। तो कल विचार करो ये परिचय बारिश कैसे सहन हो जाती है, एक लक्ष्य के बल से ही तो, एक लक्ष्य के बल से ही तो ये परिचय सहन हो जाते हैं। ये सामान्य लोग क्यों नहीं भग पड़ते हैं, हमें सहन नहीं होती, हम पे सहन नहीं होती, तुम पे इसलिए सहन नहीं होती तुम्हें लक्ष्य नहीं, भरी बस में क्यों यात्रा करती हो, एक लक्ष्य तो है भैया क्या करें, आप गरज है, जब तक लक्ष्य नहीं है गरज नहीं होगी तब तक क्या कर पाओगे। विचारना जिन स्वान भूति से श्री मम स्वान भूति मधि श्री विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत सेवरी प्रवाह बहावती रागाद्विकलपतोरी के सरस्वती प्रतिभावन दृष्टि निज में जो